इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया वांडेग्रा। अब कहिएगा सर ये जनित्र का हम साटा कर सकते हैं कि नहीं, जनित्र जनरेटर है साटा तो कर सके लेकिन हैंडल मार के मारा जाइ, लेकिन पहले लह की समयाना फिर लह की दुल्हा ठीक बा, ब्याह के पहले ही घोषित हो जाइए हैं देखो ध्यान दीजिए इधर, समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वोल्टेज देगा। 11,000 का तार देह पर गिरेला तो चिचिया के एक सेकंड में हैप्पी बर्थडे हो जाता है। 11,000 का तो बबुआ रह ले, बबुआ जात रह ले, बबुआ के देह पर तार गिरल तार तरा के मर गए समझ रहे ना, अझुरा गए तार में समझ रहे ना। आज हम लोग पढ़ लिया है वान डे ग्राफ जनित्र। अंग्रेजी क्या होता है देवता है, वन डे ग्राफ जनरेटर। जनित्र का अर्थ होता है जनरेटर, बंद कर जनरेटर देखे थिएटर देखिए इधर सुनिए सुनिए। वन डे ग्राफ का स्पेलिंग अक्सर लड़के समझते क्या है भयंकर, GRAPH वो ग्राफ वाले एक अलग है। ये साइंटिस्ट का नाम है GRFFF, लिखते समय कहता है वर्मा गलती किया तूने, ये स्पेलिंग काट ये लिख दे, हाँ ये स्पेलिंग सही बा, साइंटिस्ट का नाम है ठीक है वान डे ग्राफ जनित्र, सॉरी वान डे ग्राफ। अच्छा चूँकि जनरेटर का खोज इसी ने किया था इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया वान डे ग्राफ। अब कहिएगा सर ये जनित्र का हम साटा कर सकते हैं कि नहीं, जनित्र जनरेटर है साटा तो कर सके लेकिन हैंडल मार के मारा जाइ, लेकिन पहले लह की समयाना फिर लह की दुल्हा ठीक बा, ब्याह के पहले ही घोषित हो जाइए हैं देखो ध्यान दीजिए इधर समझिए। तो वांडेग्राफ जनित्र जो है सुनिए, इससे लाखों वोल्टता उत्पन्न होता है, लाखों माने कुछ मिलियन की वोल्टता समझिए, कुछ मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वोल्टेज देगा। 11,000 का तार देह पर गिरेला तो चिचिया के एक सेकंड में हैप्पी बर्थडे हो जाता है। 11,000 का तो बबुआ रह ले, बबुआ जात रह ले, बबुआ के देह पर तार गिरल तार तरा के मर गए समझ रहे ना, अझुरा गए तार में समझ रहे ना। आए तो लाखों वोल्ट है सुनिए बतिया अलमुनियम ऐसे नहीं, इतना लाखों वोल्ट है कैसे कितना है ये बताइए, इस बिना जो है ना सटल तो गई लो लोग ही गई लो तो गई लो मैंने इतना हाई वोल्टेज है सुनिए। अब इसका प्रयोग कहाँ है सर, साटा में तो ही नहीं सकता है, निश्चित है कि इतना इतना हाई वोल्टेज होगा कॉफ़ी वॉफी मशीन सब उड़ा दी ना, कॉफ़ी अगर ले जाए जनरेटर लगे तो वहीं खुला दी सुनिए ध्यान दीजिए। तो इसको कहा जा सकता है, इसका प्रयोग होता है नाभिकीय अभिक्रियाओं में, सुनिए कृपया गर्मी पर ध्यान न दें। सुनो वो चमक रहा है, इसका कारण है सुनिए, वो चमकने का क्या कारण है देखिए अपना चमकी, अरे हमें देखना हम चमका तो नहीं चमकेला शीशा ऐसा देखने ध्यान देने ध्यान दीजिए एक क्लिप हो गई अब इसको समझते हैं समझिए, कम वोल्टता देखा कि उच्च वोल्टता उच्च, इसका खोज किसने किया, इसका उपयोग कहाँ अभिक्रिया में, इसको बनाने में या इसको क्रिया विधि आज हम समझा देते हैं, चित्र आज बनवा देते हैं, लिखवाएंगे कल क्योंकि बहुत बड़ा है। सबसे पहले क्या कि समझाना जरूरी है, एक बार दो बार नहीं समझाएंगे ना तो डेढ़ दो पन्ना लगेगा लिखवाने में, उतना बड़ा याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए इधर सबसे पहले यहाँ दो स्तंभ लगे हुए हैं, खंभा लगा हुआ है दो, ये जो स्तंभ है कृपया शांति बनाए रखें, ये जो स्तंभ है ये दोनों कुचालकीय स्तंभ है, कुचालकीय का मतलब होता है उसमें करंट का प्रवाह, तो हई दुगो खंभा है, कैगो खंभा सुचालकीय कुचालकीय, इसके ऊपर एगो सुचालकीय गोला रखा बउआ बम्भोला रखाइल बा गोला, का रखाइल बा गोला ठीक है, आ लटकल बा लोला हो बा बहादुर देखो, तो है सुचालकीय गोला, सुचालकीय गोला ध्यान दीजिए। सबसे पहले दो यहाँ स्तंभ है, दो स्तंभ P1 तथा P2, इसके ऊपर कोई अब सुचालकीय गोला रखे हैं क्या रे बाबा तुम बाबा ना है
सब तुम्हारा चेला चेली है, बताओ। हम भी तुमसे समझो कि 3 साल छोटे ही हैं हम, तो ज़्यादा बुढ़ाइल बढ़िए से तो दाढ़ी में झड़ गई, फिर से पनियाता अलग के बात बा। पढ़ावा तनिए ने तो नजरिया के कजरिया बदलल बा, आइए नजरे के काजरा मार करावता मनवे तखने चपंडू कै गो पिलर सुचालक कि कुचालक चालक ठीक है। इसके ऊपर कैसा गोला रखा, करेंट इसमें बहाइएगा कि बहेगा कि नहीं बहेगा। इसमें बहेगा तो बहेगा कि नहीं बहेगा। नहीं बहेगा। अब दो घिरनिया लेते हैं चरखी, ठीक है चरखी लेते हैं ठीक है। तो दो घिरनिया लेते हैं, एगो जीवन तथा जीवन और जीटू के ऊपर एगो पट्टा लगा दिया, जैसे आप देखे होंगे आटा चौकी के मशीन देखे हैं आटा चौकी का जो मशीन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर भी देखे होंगे कि पट्टा लगा रहता है, लोहा का पट्टा कि रबड़ का, लोहा का है नहीं लोहा लगाएगा लोहा लगावे के लगा दी मजबूती ज़्यादा दी, लेकिन वो होता है चला धातु, धातु में क्या होता है तन्यता ज़्यादा रहती है ठीक है। वो चलते चलते लमड़ना चालू करेगा, नीचे हम उठैया आटा लेवे खाती है मार दिल सेंगा, झुकेगा नहीं टेढ़े मर गई झुके कहाँ से समझ रहे ना, गर्दन उड़ा दिलो तनाव हो जाएगा तुरंत निकल जाएगा ठीक है। ऐ कुचालकीय पट्टा में गुण होता है, क्या गुण होता है, आवेश ले लेता है लेकिन वितरित नहीं करता है, आवेश ये ले लेगा लेकिन फैलाएगा नहीं। अब यहाँ देखिए इसके नज़दीक है कंघी होती है, कहीं बाल झड़े वाला ना ये थूके वाला कंघी हो, आवेश थूके आवेश थूकता का तो कहा है थूक थूकवा कंघी का कहा है इसको कहा जाएगा स्प्रे कंघी, स्प्रे मैंने थूकल स्प्रे देखे नहीं है, आ इसको कहेंगे घोट घोटावा कंघी मैंने ये थूकता घोटता तो इसको कहेंगे संग्राहक कंघी, क्या कहेंगे मैंने ये क्या करेगा ना ये घोटने वाला काम करेगा, सुनिए छान मत पतर सुट्टा छन बे भाई का छान लोग में सुने अभी कटास कटास मत बोलो, अरे भैया बोल बेते नंबर उठी ले बात उसका ही लो खड़ा हुआ भैया खड़ा हुआ कैसे जनता की नंबर उठी ले कहता दो बार कहते नंबर उठी ले नंबर उठी एक मतलब कि तू वह नंबर के फेरा मेरे लो आ जब वह नंबर मिल गए तो तू छाती पीटा तर बैठ घबड़ा घबड़ मत हंस तर से दुनिया तरह पर तू जल्दी घर बसी परीक्षा के पहले ठीक बा हाँ एकदम आठ फेरा चली हाँ कहें कि मान लो कि 7 फेरा मोट नू बा हाँ ऐसे बतियाओ मत है देख है कंघी है स्प्रे कंघी, इसमें आवेश क्या किया जाएगा फेंका जाएगा, स्प्रे कंघी को जोड़ दिया गया एच टी से, एच टी है हाई टेंशन चटंकी बुझाता हाई टेंशन। अब यहाँ से कनेक्शन दे दिया गया अर्थिंग से, किससे जी टू का संपर्क होता है सी टू से, सी टू एक संग्राहक कंघी है और सी टू का संपर्क होता है सुचालकीय गोला से ठीक है। एक इसमें आयन स्रोत लगा होता है जिसका अंतिम छोरा लक्ष्य तक गया होता है, पूरा का पूरा सिस्टम कंक्रीट के दीवार से घेर कर इसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ये पढ़ाए हैं तुमको बनावट कोची कोची कहाँ है बस, क्रियाविधि नहीं बताएं, फिर से एक बार बताते हैं बनावट में ठीक है, उसके बाद क्रियाविधि बताएंगे कैसे चलता है कैसे क्या होता है। अभी बनावट बता रहे हैं क्या क्या, जिस बनावट आदमी का बनावट है लाद है पचौनी है गुर्दा है किडनी है वो बनावट है क्या वर्क करता है उसके बाद बोले तो समझ है कने कोची कोची बटे है कि नहीं, तो वही चीज़ बता रहे हैं लादे पचौनी के बारे में समझा जा रहा है अभी समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं वांडीग्राफ जनित्र का बनावट समझते हैं, वांडीग्राफ जनित्र का निर्माण किसने किया वांडीग्राफ ने ठीक है। इस जनित्र से कम वोल्टता उत्पन्न होती है उच्च वोल्टता, काफ़ी उच्च वोल्टता उत्पन्न होती है लाखों वोल्ट ठीक है, लाखों वोल्ट मैंने मिलियन में 10 लाख से ऊपर हो गया ठीक है, और किस चीज़ में भाग लेता है अभिक्रिय अभिक्रिया में। इसके बनावट बनावट में कितने पिलर्स होते हैं दो खंभे होते हैं सुचालकीय की कुचालकीय है, इसके ऊपर कौची रखा जाता है सुचालकीय ना तो कह दिया होड़िया रखाइल बा का तो अथी के भगावे खाती क्या नाम हो साहिल के भगावे खाती होड़िया रखाइल बा गाँव में होड़िया रख देता है ना
अरे हो लाठी के ऊपर हड़िया टांगता है लोग अथी भगावे खातिर नीलगाय के भोपड़ास को भगाने के लिए समझ ना। अच्छा साहिल ओहिल होता है ना जी, साहिल नहीं जानता है, कटवा होता होता है देखिए उसको भगाने। अब सुनिए इसमें दो घिरनियाँ हैं, जीवन तथा जी टू, उसके ऊपर कोची का पट्टा, कोई घिरनी है जी उसके ऊपर कोची का पट्टा, जीवन के नज़दीक कंघी है, कौन कंघी अवेष्टानी की फेंकी, इसका संबंध उसका संबंध, जी टू के नज़दीक कौन कंघी टानी की घोटी, टानी घोटी है कि नहीं बोलो टानी घोटी है कि नहीं, ठीक है मतलब ये क्या करेगा ग्रहण करेगा, ठीक है। इसका संबंध को जिस होता है सुचाल की गोला से, यायर स्रोत हाय, क्या हाय, इसका अंतिम टोंगड़िया कहाँ गया है लक्ष्य। तो अब देखिए कार्य क्या होता है, अब नचावल जरा मोटर की सहायता से वैसे जैसे नाचला आटा चौकी के मशीन कैसे, हाँ देखिए है जो है चलेगा ना, ए आटा चौकी चले चाहे आपका साइकिल चले चाहे मोटरसाइकिल चले, दोनों चक्का को नचाने में बोल लगता है कि एगो को दूसरा अपने आप चलता है, एक और नचाया जाएगा दूसरा नचेगा। अब क्या कर जरा फेंकरा खाती हूँ आवेश फेंकाता, कौन आवेश फेंकता धन आवेश जाके फैलेगा नहीं, क्योंकि धन अवेश जाके धोली लेकिन फैली ना, क्या कि सुचालक ना कुचालक हो, कुचालक पदार्थ में आवेश सड़ जाला लेकिन फैलता नहीं है, तो यहाँ जाके चपक जाएगा। अभी नाचते 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 फेरा घूमेगा 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 यहाँ जाएगा, जब प्लस यहाँ पहुँचेगा तो प्लस के चलते क्या बनेगा माइनस नहीं बनेगा, और माइनस के चलते प्लस, बार बार घिरनी घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, ठीक है। जब घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा तो इस पर आवेश की मात्रा लगातार बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, इतना अधिक आवेश हो जाएगा कि एक बार फाटी या सब जने का हैप्पी बर्थडे करवा दी, केको काटे के टाइम में मिली, समझ रहे ना। तो इसके लिए आयन स्रोत लगाया जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज को यहाँ से क्या के बाहर की तरफ भेज दिया जाता है, समझ रहे कि नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस को भेजने का ये रास्ता है। तो बहुत इतना ज़्यादा वोल्ट रहता है कि हवा को आयनीकृत करेगा, आयनीकृत मतलब अलग अलग भागों में बांट सकता है, हवा में सारे गैस मिले हुए हैं उसको अलग अलग भाग में बांटेगा, माना हाइड्रोजन अलग कर दिलस मिथेन अलग कर दिलस वही के बाद आग धोरी एक के बाद फाटी हैप्पी बर्थडे सब जगह हैप्पी बर्थडे। तो इसी से बचने के लिए कंक्रीट का दीवार से घेर कर, कंक्रीट में आग लगी कोनो टेंशन नहीं, कंक्रीट जलता नहीं ना है, गिट्टी को जला दीजिएगा गला दीजिएगा नहीं जलेगा। तो कंक्रीट का दीवार में समझिए कि घेर दिया जाता है, चाहे स्टील का चैम्बर लगा दिया जाता है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस आग को बुझाने में मदद करता है, कोई दिक्कत। कोई गो इसमें पिलर है सुचालक कुचालक, उसके ऊपर कैसा गोला जल गया, कोई गो घिरनी उसके ऊपर कोची का पट्टा, जीवन के नज़दीक कंघी सीवन सीवन का संबंध एस टी का संबंध, जी टू के नज़दीक सी टू कौन कंघी, इसके नज़दीक कोची है आयन स्रोत, इसका अंतिम सिरा पूरा कोची से घेरेंगे आप कोची रखेंगे कोची कौच मोटर की सहायता से घिरनी को नचेगा दूसरा नाचे कि ना नाचेगा, पट्टा घूमेगा कि नहीं, स्प्रे कंघी सहायता से कौन आवेश को फेंकते हैं धन आवेश, इस पर जाता है फिर चढ़ते 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 यहाँ जाता है, और प्रेरण की क्रिया होती है प्लस के चलते माइनस, माइनस के चलते क्या बनता है प्लस, यही क्रिया बार 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 दोहराई जाती है, दोहराते 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 आवेश की मात्रा जब बहुत अधिक हो जाती है अतिरिक्त आवेशों को आयन स्रोत के माध्यम से बाहर भेज दिया जाता है, फिर भी इतना अधिक आवेश रहता है कि हवा को आयनीकृत करेगा और हवा में भी आग लगने की संभावना है। इससे बचने के लिए कंक्रीट से दीवार से घेर कर कौन गैस भरी जाती है, कितना लोग याद हो गए पूरा याद हुआ है, पूछे पूछा जाए।